इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके 2 मिनट चाहूँगा और कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। जो एज अ लॉ स्टूडेंट जब मैं पढ़ाई कर रहा था या मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने कुछ जो प्रॉब्लम्स फेस की हैं वो डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। तो होता क्या था कि कई स्टूडेंट्स होते थे, जैसे कि चैप्टर्स याद कर, चैप्टर्स हर सब्जेक्ट के, हर एक्ट के बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो और क्वेश्चंस भी आप जैसे देखेंगे जुडिशरी में प्री में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। जैसे कि अगर हम एविडेंस एक्ट की बात करें तो पूछ लिया जाता है कि चैप्टर 8 में क्या दिया हुआ है, एस्टोपल की बात कर रहा हूँ तो चैप्टर 8 में क्या दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और चैप्टर्स इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए नहीं होते कि उससे क्वेश्चन आते हैं, बट अगर कोई एक्ट का आपको एक ओवरव्यू चाहिए अच्छे से, और अगर आपको मालूम है कि किस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, तो आपको ओवरऑल उस एक्ट के बारे में सब कुछ मालूम होगा कि किस सेक्शन में कहां पर कुछ बात दी, और आप अंदाज़ा लगा सकते हो चीज़ों का सिर्फ चैप्टर्स के मालूम होने से कि वो सेक्शन कहां पर फॉल करेगा या किस सेक्शन के अंदर अंदर वो आ सकता है। तो चैप्टर्स मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि कई लोग होते थे जो रट्टाफिकेशन करते थे, रटते रहते थे और वो भूल भी जाते थे, या फिर ऐसा भी होता है कि कई बार हम काफ़ी टाइम पढ़ते पढ़ते हमें चीज़ें याद हो जाती हैं, बट एट दी एंड को काफ़ी टाइम अगर रिवीजन नहीं करें या रिवाइज नहीं करें तो हम वो भूल भी जाते हैं। तो मैं अक्सर सोचा करता था कि क्यों ना कोई ऐसी ट्रिक होती जिससे एक स्टोरी फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में ट्रिक होती कि उससे बहुत आसानी से चीज़ें याद हो जाती, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना कि अगर हम पढ़ाई को जितना इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो उतना आसानी से हमें चीज़ें याद हो सकेंगी। अगर हम रटेंगे या फिर हम उसको मगअप करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा, आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा, और ये कॉलेज है प्रेशर को करने। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं करेंगे तो कभी ना कभी या कहीं ना कहीं जाके आप किसी ना किसी मोड़ पर उसको भूल जाओगे। बट अगर उसी चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से अगर किसी ट्रिक के फॉर्म में अगर उसको याद कर लो तो चीज़ें थोड़ी इजी हो जाएंगी। और मेरा मानना है, व्हाट आई बिलीव इज़ कि जो लर्निंग है वो इजी होनी चाहिए, उसको आप जितना इंटरेस्टिंग बना सको, जितना इजी है सिंपल बना सको उतना अच्छा है। और हमारा जो ये चैनल है इसका मेन पर्पस और मेन मोटिव यही है कि आप लोगों की लर्निंग को इजी बनाना। तो इसीलिए मैं ये ट्रिक, मैंने ये फॉर्म की बनाई है जिससे आपको एविडेंस एक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं वो याद हो सकें। एंड कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले हमें ना उसकी जड़ों को पकड़ना चाहिए, रूट कॉज पे जाना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि उस एक्ट को बनाया क्यों गया, उसका पर्पस क्या है, उसका मोटिव क्या है, प्रीएम्बल क्या है उस एक्ट का, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी पहला। और दूसरा, अगर आपको उसके अंदर के चैप्टर्स मालूम है, कंटेंट मालूम है क्या दिया हुआ है, क्योंकि सेक्शंस जो हैं वो भी कहीं ना कहीं चैप्टर से ही ड्राइव होते हैं। अगर कोई चैप्टर, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे अधिकतर जो है चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी होता है जिसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज या फिर डेफिनेशंस दी होती हैं, ठीक है, सेक्शंस वगैरह जो है डेफिनेशन के दिए होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो प्रिलिमिनरी स्टेज से पता चलता है कि हाँ इसमें सेक्शंस दिया हुआ है। अगर हम जैसे एविडेंस एक्ट के बारे में अगर हम चैप्टर 2 की बात करें जो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है, तो उसके अंदर वही सब दिया हुआ है कि कौन से फैक्ट्स रिलेवेंट हैं, कौन से फैक्ट्स रिलेवेंट नहीं हैं, तो क्या वो एडमिसिबल होंगे क्या नहीं होंगे, तो ये सारी बातें दी होती। तो क्या होता है अगर हमें चैप्टर मालूम है कि किस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, तो हम उसके अंदर के सेक्शंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर के सेक्शंस किस बारे में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आधार जैन एंड इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इस ट्रिक के बारे में बता देता हूँ कि कोशिश किया है मैंने कि इसको थोड़ा सा फ़नी बनाया जाए जिससे आपको ये याद हो जाए। तो पहले मैं आपको इस ट्रिक के बारे में बता देता हूँ, किसी का मजाक उड़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है, बस हमारा मेन मकसद है कि आपकी लर्निंग को इजी बनाना और कैसे ना कैसे करके आपको ये ट्रिक याद हो जाए जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स में बेहतर कर सकें, और अगर एक दो लोग भी इससे अगर कुछ सीख सकें या इसको आप लर्न कर सको तो हमारा जो पर्पस है वो फुलफ़िल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि ये ट्रिक स्टार्ट कैसे हो रही है। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर दो दोस्त हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। एक दोस्त है जो कि कोर्ट में केस हार चुका है, तो जो दूसरा दोस्त है जो कि वकील है, उस दोस्त है उसका प्रॉपर वकील है, डिग्री वगैरह है उसके पास, और तो वो जो वकील है वो अपने दोस्त को समझा रहा है कि तुम केस कहाँ हारे, और यहीं से हमारी ट्रिक स्टार्ट होगी। आपको वीडियो में ही दिख जाएगा कि मैं चैप्टर वाइज वहाँ पर एडिट करके डाल दूंगा कि साइड में चैप्टर भी चल जाएंगे, जैसे जैसे मैं जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ उस चैप्टर का नाम वहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर वो जो वकील दोस्त है उसको बात करता है कि प्रिलिमिनरी स्टेज पर रिलेवेंट फैक्ट्स को प्रूव करना होता है, ना कि जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स को। अब जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स क्या होते हैं, यहाँ पर चैप्टर 3 की बात हो रही है, जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट बोल देता है कि हाँ ये सही हैं और उसके ऊपर कोई एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर इसका दोस्त जो है, वकील दोस्त बोलता है कि
प्रिलिमिनरी स्टेज पर रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स को प्रूव करना होता है, ना कि जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स को। और जो तेरा लॉयर है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, वो उस पर ओरल एविडेंस दे रहा है, देन उस पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दे रहा है, फिर क्या होना था? कोर्ट ने ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर दिया, इसीलिए बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट ही नहीं हुआ। और ऊपर से एस्टोपल लगा दिया कोर्ट ने ये बोलकर कि भाई जो चीज़ ऑलरेडी प्रूव्ड है उसे तुम प्रूफ क्यों करना चाहते हो। जैसे तैसे केस आगे बढ़ा, बट हमारे जो वकील साहब थे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास आउट थे, उन्होंने क्या किया, विटनेस प्रोड्यूस कर दिए। जैसे जैसे चलो एग्जामिनेशन भी हो गया विटनेस का, बट एट द एंड क्या होना था ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, कोर्ट ने एविडेंस रिजेक्ट कर दिए क्योंकि वो इम्प्रॉपर थे। और कोर्ट ने उस वकील को बोला, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा, और उसकी डिग्री जो है निरस्त कर दी। तो ये थी हमारी ट्रिक जो कि मैंने पूरी एक बार में आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से कैसे कैसे हमको क्या क्या लेना है। सबसे पहला चैप्टर वन मैंने बात की कि प्रिलिमिनरी स्टेज पर रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स को प्रूव करना होता है, ठीक है। देन थर्ड, ना कि जुडिशियबल नोटिसेबल फैक्ट्स को, मतलब मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। देन फोर्थ, हमने देखा कि वहाँ पर उसने वकील ने क्या किया था, ओरल एविडेंस सबमिट किए, चैप्टर फोर। फिर फाइव, फिर उस पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करता है वो। देन सिक्स, कोर्ट क्या करता है, कोर्ट जो ओरल एविडेंस है उसको एक्सक्लूड कर देता है, जो कि हमारा चैप्टर है एक्सक्लूजन वाला, डॉक्यूमेंट्री में से ओरल को एक्सक्लूड कर देता है। तो यहाँ पे आता है हमारा चैप्टर सिक्स। देन इसलिए जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो वापस उसी पे शिफ्ट हो जाता है, सेवन बर्डन ऑफ प्रूफ। देन हमारा आता है एट, एस्टोपल, जिसमें बोला है कि कोर्ट एस्टोपल लगा देता है ये बोलकर कि तुम वो वाले फैक्ट्स क्यों प्रूव करना चाह रहे हो जो ऑलरेडी प्रूव्ड हैं। देन हमारा आता है नाइन्थ, यहाँ पर वो विटनेस प्रोड्यूस करता है। टेंथ, उन विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है। और इलेवेंथ, जहाँ पर कोर्ट जो है रिजेक्ट कर देता है एविडेंस को। इस स्टोरी को अगर एक दो बार आपने पढ़ लिया और अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन कर दी और आपने थोड़ा सा इसको दिमाग में बैठाया, तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और फिर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, भले ही से वो प्री में क्वेश्चंस आए आपके कि किस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, तो इससे हेल्प क्या रहेगी ना, आपको सिक्वेंस वाइज याद हो जाएगा। जो सिक्वेंस वाइज है वो आपको याद हो जाएगा कि कौन से चैप्टर में क्या दिया हुआ है। मेन पर्पस ये नहीं है कि याद ही कराना, इसको याद तो कराना बट सिक्वेंस वाइज याद कराना, जिससे कभी भी कोई भी आए और आपको, जैसे आपने नहीं भी पढ़ा है ना, अगर आपके दिमाग में ये स्टोरी है तो आप इसको वापस से सोच कर आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि प्रिलिमिनरी स्टेज पर रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स को प्रूव करना होता है, ना कि जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स को। वकील क्या करता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास हुआ, ओरल एविडेंस देता है उस पर, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देता है, कोर्ट ओरल को एक्सक्लूड कर देती है डॉक्यूमेंट्री में से, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट ही नहीं होता क्योंकि कुछ प्रूव ही नहीं किया तुमने, तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं होता। देन एट जो है हमारा आता है, एस्टोपल लगा देता है, फिर विटनेस, फिर उनका एग्जामिनेशन होता है, देन कोर्ट जो है लास्ट में एविडेंस को रिजेक्ट कर देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है और अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है और आप चाहते हैं कि दूसरे और एक्ट्स की भी मैं ट्रिक्स बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप किन वीडियोस, किस तरीके की आप वीडियोस चाहते हैं या किस तरीके की आप ट्रिक्स चाहते हैं, किस एक्ट पर आप ट्रिक्स चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उस पर बनाने की। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।